गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये लेसन टू है। उसका लेसन टू का एक्सरसाइज है। पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है तीनों रानियों के कितने पुत्र थे? दो, तीन, चार, पाँच। तो तीनों रानियों के कितने पुत्र थे? चार। चार इज द राइट आंसर, है ना। चार राजकुमार किस प्रकार के थे? सुंदर, स्वस्थ, स्वस्थ, सुंदर, इनमें से कैसे भी नहीं। तो चार राजकुमार कैसे थे? सुंदर और स्वस्थ थे। राइट आंसर क्या है? सुंदर और स्वस्थ। बिरसा में दोनों भाइयों को लेकर कहाँ गए? बिरसा में दोनों भाइयों को लेकर कहाँ गए? अपने घर, मंदिर, अपने आश्रम और शहर। बिरसा में तो अपने दोनों भाइयों को लेकर के अपने आश्रम गए। राइट आंसर क्या है? अपने आश्रम। क्वेश्चन नंबर चार, स्वयंवर किसका होने वाला था? स्वयंवर किसका होने वाला था? सुमित्रा का, कैकेयी का, सीता का, कौशल्या का? तो स्वयंवर किसका होने वाला था? सीता का। राइट आंसर क्या है? सीता। अगले प्रश्न उत्तर है आपके, अयोध्या के राजा का क्या नाम था? उत्तर है, अयोध्या के राजा का नाम क्या था? दशरथ। अयोध्या राजा का नाम दशरथ था। प्रश्न नंबर दो, राजा दशरथ की कितनी रानियाँ थीं? उत्तर, राजा दशरथ की तीन रानियाँ थीं। प्रश्न नंबर तीन, सुमित्रा के कितने पुत्र थे? सुमित्रा के दो पुत्र थे। सुमित्रा के दो पुत्र थे। प्रश्न नंबर चार, जनकपुरी में क्या होने वाला था? उत्तर, जनकपुरी में सीता का स्वयंवर होने वाला था। प्रश्न नंबर पाँच है, शिव धनुष को किसने तोड़ा था? उत्तर, शिव धनुष को राम ने तोड़ा था। किसने तोड़ा था? राम ने तोड़ा था। प्रश्न नंबर छः, चारों राजकुमार किस प्रकार के थे? उत्तर, चारों राजकुमार बड़े सुंदर तथा स्वस्थ थे। कैसे थे? बड़े सुंदर तथा स्वस्थ थे। प्रश्न नंबर सात, ऋषि विश्वामित्र ने दरबार में आकर क्या कहा? उत्तर, ऋषि विश्वामित्र ने दरबार में आकर कहा कि महाराज, राक्षस हमारे धर्म कार्यों में विघ्न डालते हैं, इसलिए आप राम और लक्ष्मण को हमारी सहायता के लिए भेज दीजिए। प्रश्न नंबर आठ है, विश्वामित्र ने सीता का स्वयंवर होने का समाचार सुनकर क्या किया? उत्तर, विश्वामित्र ने सीता का स्वयंवर होने का समाचार सुनकर सुना तो वह राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी जा पहुँचे। प्रश्न नंबर नौ, स्वयंवर की क्या शर्त थी? स्वयंवर की शर्त थी कि जो कोई पुराने शिव धनुष को उठा ले उसी के गले में सीता जयमाला डालेंगे। प्रश्न नंबर दस, कुछ समय पश्चात राजा दशरथ के ने क्या सोचा? उत्तर, कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने सोचा कि मैं वृद्ध हो गया हूँ, राजा राम का राज तिलक करके निश्चिंत होकर भगवान का भजन करूँ। ये शब्द अर्थ हैं, मर्यादा अर्थात सीमा, स्वस्थ, तंदुरुस्त, भ्रात प्रेम, भाई के प्रति प्रेम, होम यज्ञ, होम मतलब यज्ञ करना या हवन करना, तो एक ही बात है। तेजस्वी, प्रतापी, मृगशाला, मृग की छाल या मृग की खाल या चमड़ा, मूर्छा, बेहोशी, मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म की सीमा में रहने वाला श्रेष्ठ पुरुष, धर्म की सीमा में रहने वाला श्रेष्ठ पुरुष। क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में लिखने हैं, लर्न करने हैं। थैंक यू सो मच।